हम कुछ देर से लाइव को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी कुछ फ्रेंड्स को जुड़ने देते हैं। अभी सभी आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लाइव को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा लाइव का टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल होता है उसको हम कैसे ग्रो करें, वही आज इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स जुड़ गए हैं, तो हेलो एवरीवन। और अभी हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो कि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कि आप स्टे होम, स्टे सेफ रहे, अपना घर में ही रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है ये बहुत ही फैल चुका है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, और सभी इससे फाइट कर रहे हैं। तो इस फाइट को जीतने के लिए हमको घर में रहना होगा, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ यही बोलेंगे। और आप सब जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। तो लाइट कम आ रहा है, ओके, ये लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास लाइट का सेटअप नहीं था इसलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये इस लाइव सेशन में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट लाइव सेशन में लाइट का करेंगे व्यवस्था तो सही आएगा, अभी इस बार आप मैनेज करें। तो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं फ्रेंड सब, और आप हमको इस लाइव सेशन में जो यूट्यूब चैनल है उससे रिलेटेड, उसको कैसे ग्रो करना है, जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल होता है उसको कैसे ग्रो करना है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे इस लाइव सेशन के थ्रू। तो हमारे साथ फराज और जुड़ चुके हैं। हेलो सर, तो हाई। और समर फिरदौस भी आ गए हैं, ओके, हाँ सही है। तो हम इस लाइव सेशन जो है इससे हम ये आपको बताएंगे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कैटेगरी का रहता है, जो कि वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल आता है स्टार्टिंग पीरियड में, तो उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे चैनल को ग्रो करना है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम ये एक लाइव सेशन को कंडक्ट किए हैं। और इस लाइव सेशन में हम यही आपको बताएंगे। तो आपको अगर आपको ये ऐसा हो कि जो अपना चैनल को चैनल है जिसका अपना, और वो चैनल पे को ग्रो करना चाहते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उसको उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड जुड़ चुके हैं, साजाद खान, उसके बाद एमडी समर, राफे शगुप्ता, हाई हेलो, सभी इसमें जुड़ चुके हैं अभी। यू आर क्यूट साजाद खान, चलो ठीक है। पर हम अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। तो स्टार्टिंग हम ये बताएंगे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये एक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैनल है, और इसमें भी हम सब जो सिविल इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो कंटेंट और जो साइट से रिलेटेड कंटेंट रहता है वो सभी हम इस चैनल से प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोयल एंड मॉइस्चर? ये सोयल और मॉइस्चर, सोयल तो ये हमारा अर्थ इसको बोल सकते हैं हम, और जो मॉइस्चर होता है जो उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, नमी जो रहता है उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। तो बेसिकली हम आपको जो चैनल को ग्रो करने के लिए क्या सब जो स्टेप फॉलो करना रहता है उस स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रहेगा कि आप अगर कोई भी चैनल एजुकेशन के रिलेटेड अगर क्रिएट किए हैं तो उसको अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए पहले आपको रेगुलर रहना चाहिए, आप उस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंटेंट है आपका उस कंटेंट पे बिल्कुल फोकस करना होता है कि आपको बस उसी कंटेंट के रिलेटेड वीडियो डालना रहता है, ये नहीं कि कुछ दिन ये इस कंटेंट पे वीडियो बनाए और फिर कंटेंट को चेंज कर लिए तो वो में प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ अभिषेक आनंद जुड़े हैं, हाय अभिषेक। तो आप अगर कोई भी इसमें से अगर कोई कोई अपना चैनल क्रिएट किए हैं और एजुकेशनल के रिलेटेड है, और अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कैसे ग्रो करना है, उसमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम चैनल को अभी जो 11,000 सब्सक्राइबर तक लाए हैं, इसके जो इससे जो हमको एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस अब शेयर करेंगे आपके साथ।
तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन यू प्लीज गिव इंफॉर्मेटिव आइडिया अबाउट मेकिंग द चैनल मोर इनहेंस्ड। मोर इनहेंस्ड करने के लिए आपको तो पहले रेगुलर कंसिस्टेंट होकर के आपको वीडियो डालते रहना है स्टार्टिंग में, विदाउट कोई भी ऐसा कि हमको जल्दी मोनेटाइजेशन करना है ये सब नहीं सोचते हुए स्टार्टिंग के टाइम में, कि जो मोनेटाइजेशन है ये सबको आपको साइड रख के काम करना रहता है, कि पहले आपको वीडियो जो कंटेंट डाल रहे हैं वो कंटेंट जो हमारा व्यूअर्स होते हैं उसको पसंद आए वो उस चीज़ पे फोकस करना रहता है। पहले ट्रैफिक लाने का है, उसके बाद फिर मोनेटाइजेशन ये सब पे फोकस करना रहता है। तो पहला काम यही है कि आप वीडियो जो डाले उसमें हर एक वीडियो के बाद कुछ प्रोग्रेस लाए, कुछ अच्छा उसमें बनाते रहे, जो डिमांडिंग वीडियोस रहते हैं जो वो वीडियो सबको बना के रखिए। आंसर माय क्वेश्चन नूर फराज, कैन यू प्लीज गिव इन्फॉर्म क्या आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए? तो जैसे कि जो न्यू कॉमर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम बोलेंगे कि जो काइन मास्टर करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके बाद व्लॉगिट, ये दो एप्लीकेशन है जहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपको फ्री में, इसमें कोई इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना रहता है, और इससे आप एडिट करेंगे तो जो व्लॉगिट रहता है उसमें उसका वाटर मार्क भी नहीं रहता है, तो इससे वो आपको एडवांटेज है, लेकिन उसमें है कि ज़्यादा फीचर्स नहीं रहता है, उसमें जो अनपेड वाला रहता है उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के फेज में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ब्लॉगिट, इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो डीयू रिकॉर्डर भी हम यूज़ करते हैं, ये दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वीडियो को हम बनाते हैं। व्हिच ऐप डू यूज टू यूज वॉइस मॉड्यूलेशन? एक्चुअली हम ऐसा वॉइस मॉड्यूलेशन तो कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल वॉइस हम डालते हैं उसी को करते हैं, पर जो ब्लॉगिट है उसमें अगर ऐसा कोई रहता है कि वीडियो के ऊपर से कुछ हमको उसमें वॉइस रिकॉर्ड करना है तो एम्बेड करना रहता है, तो वो ब्लॉगिट से हो जाता है, तो हम वहीं से कर लेते हैं। सर आई वांट टू बिकम अ फूड ब्लॉगर फॉर पार्ट टाइम, सजेस्ट सम टिप्स एंड सम स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम, ये नेम के लिए तो आप ये खुद अपना चॉइस करिए, ये इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर आपको जो सजेशन दें हम कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले फुली प्रिपेयर्ड हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा होता है कि आपके पास एक दो वीडियो का आइडिया आया और आप स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम ये चैनल क्रिएट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, पर इससे नहीं होता है। आपको पहले जो कंटेंट बनाएंगे उसका बहुत सारा आइडिया रहना चाहिए पहले से, कि हम वीडियो बना सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। ये नहीं कि हमको दो वीडियो का आइडिया है फिर हम बना लिए, फिर दो वीडियो के बाद फिर नहीं डाल पाए, तो वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको सक्सेस होना है, ग्रो करना है, तो पहले बहुत सारा तैयारी करना पड़ेगा आपको कि कैसे हम वीडियो को बनाएं, उसके लिए बहुत सारा जो कंटेंट है वो कंटेंट का लिस्ट आपके पास रहना चाहिए कि हाँ कुछ दिन तक हम बना सकते हैं वीडियो, फिर जाके आप स्टार्ट करें तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। उसके बाद सर हसीन अखबार, ये साज खान, तो अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर हम आपको कुछ बता दे जो कि हम बताने वाले थे, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन चैनल के रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, तो हम जो हमको बताना था वो हम बता दें खुद से ही, कि जो आपको अगर वीडियो बना रहे हैं, चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले आप रेगुलर रहे, अपना वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालें, और जो जो कंटेंट रहना चाहिए एजुकेशनल कंटेंट है तो उसमें आपको इंश्योरिटी जो है वो 100% रहना चाहिए, कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपका गलत ना हो, क्योंकि वो कंटेंट कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो गलत पढ़ लेगा, फिर वो गलत आगे तक गलत जाएगा। इसलिए कि आप जो कंटेंट दे तो उस कंटेंट को 100% एक्यूरेसी के साथ वीडियो बना के डाले, अगर नहीं है एक्यूरेट, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो ना बनाए सबसे पहले। और जो ये एजुकेशनल चैनल रहता है इसको बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत सारा उसके पीछे रिसर्च पढ़ाई करना रहता है, कुछ अच्छा ट्रिक निकालने के लिए, तो ये सभी करना पड़ेगा। आप ये सब करने के लिए रेडी है तब जाके एजुकेशनल चैनल को क्रिएट करिए, तो आप 100% सक्सेस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है कि आप जो प्लान, जो फोकस, जो अपना जो आपका कंटेंट है उस पर स्टिक रहिए, उसको मत छोड़िए, उसको हमेशा, कुछ स्टार्टिंग के टाइम पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो उसको देखते हुए आप अपना जो कंटेंट है उसको मत छोड़िए, कंटेंट पे स्टिक रहिए, फोकस रहिए। उसके बाद जो अगर आप वीडियो डालते हैं उस पर किसी का कमेंट आया तो इंटरेक्शन, जो अपना सब्सक्राइबर रहता है इनिशियल स्टेज में अपने सब्सक्राइबर के साथ,
अपने सब्सक्राइबर के साथ इंटरेक्शन करिए, जो भी मेल आ रहा है उसको रिप्लाई करिए, कमेंट पर रिप्लाई करिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तभी जाके आपका जो वीडियो है वो वीडियो रैंक होगा, आपका जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ करना पड़ता है अगर आप चैनल क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गया है, थैंक यू फॉर गुड मैसेज। वी हैव क्रिएटेड अ चैनल नेम MIT स्टडी, ओके, MIT मीन्स मेक इट ट्राई, ओके। सो टेल अस अबाउट मोनिटाइजेशन प्रोसेस। मोनिटाइजेशन प्रोसेस, अभी जो मोनिटाइजेशन प्रोसेस है वो यही है कि आपका जो चैनल है उस पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम विद इन वन ईयर के 12 मंथ के बिटवीन 12 मंथ में आपका 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये हो जाने के बाद आपका चैनल रिव्यू के लिए जाता है, जो कि YouTube की टीम इसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद अगर आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं है या कुछ मिसहैंडलिंग कंटेंट नहीं है, सब सही है, आपका खुद का पर्सनल कंटेंट है, तो आपको मोनिटाइजेशन के लिए जो PPP प्रोग्राम है यूट्यूब का उसमें शामिल कर लिया जाता है। और उसके बाद आपका जो भी वीडियो रहेगा उस वीडियो पे ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। तो यही है मोनिटाइजेशन के प्रोसेस अभी फिलहाल। हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग? अभी क्वारंटाइन में तो ऐसा कुछ नहीं था, बस बैठना रहता है और कुछ कुछ अभी वीडियो सब हम बहुत सारे डाल रहे हैं, बस यही है। और इसी में हम सोचे कि लाइव भी आ जाए। अभी हमारे चैनल पे ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग के जो हम ये चैनल जो है वो 2018 में स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद हम सब वन ईयर के लिए बहुत मेहनत किए इस पे, और हम जो मोनिटाइजेशन है वो भी करवाए चैनल का, और हमारा वीडियो सब भी अच्छा चल रहा था, पर कुछ कारण के वजह से जो वन ईयर 2019 में हम सब बहुत सारे वीडियो बहुत मिनिमम वीडियो अपलोड किए, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो इसलिए हमारा जो कनेक्शन है सब्सक्राइबर के साथ वो कम हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा हम सब अब फिर से स्टार्ट हो चुके हैं और फिर अब इस पे कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, और आप सबको भी ग्रो करने के लिए हम हेल्प करेंगे। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करेंगे और ज़रूर आप सक्सेस होंगे। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए, हाउ मच टाइम डिड यू चैनल मैनेज विद मोनिटाइजेशन प्रोसेस? मोनिटाइजेशन प्रोसेस के लिए जो रिव्यू में जाने के बाद एक महीना वन मंथ का टाइम लगा था, लेकिन उससे पहले हमको 6 मंथ लगे थे कि जो उसका क्राइटेरिया है 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर का, वो हमको 6 मंथ लगे थे। 6 मंथ में जाके कंप्लीट हुआ था, और जो रिव्यू होने के बाद 1 मंथ के लिए रिव्यू पे गया था और उसके बाद चैनल मोनिटाइज हुआ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो आपको चैनल पे इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, चैनल पे वीडियोस जो है अपलोड करते रहिए, वीडियो अपलोड करना ना छोड़े, और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ सुधार कुछ इम्प्रूवमेंट लाते चलिए, इम्प्रूवमेंट बढ़ाते चलिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो सब्सक्राइबर है वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो यही है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, और तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आपका वीडियो अच्छा है तभी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तभी व्यूज़ बढ़ेगा, तो सब आपके कंटेंट पर डिपेंड है। तो इसलिए कंटेंट को मजबूत करिए, कंटेंट पर आइए, तभी जाके होगा। कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट सिल्वर बटन, इज़ इट अवार्डेड गिवन बाई यूट्यूब? यस, ये तो सिल्वर बटन है, ये हर एक यूट्यूबर यूट्यूब क्रिएटर जो है उसको मिलता है। ये आपको तभी मिलेगा जब आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और आपको यूट्यूब देगा सिल्वर प्ले बटन। तो अगर आप जैसे बोले थे कि MIT स्टडी चैनल है आपका, तो आप भी मेहनत करिए, कंटेंट बनाइए अच्छा अच्छा, और फिर आपको मिलेगा ज़रूर। और हम सब भी अपने चैनल को सिल्वर बटन दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, 100K सब्सक्राइबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप सब हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ के साथ भी शेयर करें। और इसमें अभी जो भी सिविल इंजीनियर फ्रेंड है तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर करें, वीडियो भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कंटेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए या सब्जेक्टिव या फील्ड का जो भी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है missioncivilengineering@gmail.com, या आप कमेंट पे कोई भी वीडियो के कमेंट पे कमेंट करेंगे तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू सो मच सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सिल्वर मेडल. थैंक यू वेरी मच नूर फौजिया एम डी समर. वी विल रीच सून टू गेट दिस. ओके ओके. एजुकेशनल वीडियो के अलावा कुछ प्लान है आपका बनाने का? एजुकेशनल चैनल तो एक जो ये एजुकेशनल चैनल है इसमें बहुत सारे चीज़ हैं. अगर आप इसी में बनाना चाहेंगे तो बहुत सारे कंटेंट बना सकते हैं. जैसे कि हम एजुकेशनल चैनल का बात करें तो अभी हम सब बस सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बनाते हैं बस सिविल इंजीनियरिंग. उसमें भी अभी क्या है कि कुछ एक साल बीच में बहुत सारे स्टॉपेज आ गया था, वीडियो नहीं डल पाया, इसलिए थोड़ा सा हमारा चैनल उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था. लेकिन हम आपको ये बता दें कि आप इसके अलावा अगर बोलेंगे तो जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो और एक सॉफ्टवेयर ऐसा होगा कि एक सॉफ्टवेयर को ही आप सीखते सीखते आपका लाइफ खत्म हो जाए फिर भी आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे. उसमें इतने सारे कंटेंट होते हैं, इतने अपडेट आते रहते हैं. तो आप ये भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप सिविल इंजीनियर से हैं तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर सिखाओ, जैसे कि ऑटोकैड, स्टैट प्रो, रेबिट, ई टैब्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. तो उस पर भी आप वीडियो बना सकते हो और वो बहुत डिमांडिंग टॉपिक रहता है. अभी के जो जो सीनियरी है, जो टाइम है, उसमें बहुत सारे डिमांड है इसका. तो आप इस पर वीडियो बना सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा. और आप इसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, और सिविल ब्रांच के रिलेटेड ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है. सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा रहता है, उसका प्रिपरेशन ज़्यादा लोग करते हैं, गेट का, एसएससी, बहुत सारे है, सीजीएल, ये सभी का. तो उन सब के ऊपर ही वीडियो डाल सकते हैं, वो भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक है. उस पर भी अगर आप कंटिन्यूटी दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं और आपका वीडियो जो है वो एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो आप इसमें भी सक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी. और उसके बाद एक और है जैसे कि जॉब वैकेंसीज. तो अभी जो है आपको पता ही है पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन यही है कि जॉब क्राइसिस चल रहा है. तो यहाँ पे जॉब वैकेंसीज का अगर वीडियो बनाएंगे आप तो ये भी बहुत आगे बढ़ सकता है सभी चैनल. तो यही सब आप कर सकते हैं मेरे रिस्पेक्ट मेरे. तो और क्या बनाने आने वाले टाइम में आपका क्या वीडियो आने वाला है? अभी हम फिलहाल जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसी के ऊपर हम वीडियो सब बना रहे हैं. अभी बहुत सारे वीडियो आए हैं, आज भी रात में आने वाला है 10 बजे, आप देख सकते हैं वहाँ पे. तो हम हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड अभी वीडियो सब बना रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. और आप अपना वेबसाइट कब बना रहे हैं? वेबसाइट जो है, वेबसाइट भी अभी चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, बनने ही वाला है. अभी ये लॉकडाउन होने के कारण से टाइम मिल गया तो फिर हम सब सोचे कि वेबसाइट भी बना ले, उस पर भी कंटेंट डालते रहे. तो वो भी बन रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है, आप तक पहुंच जाएगा. हम वीडियो में आपको बता देंगे हमारा वेबसाइट अगर लॉन्च हो जाए तो. आई हैव शेयर्ड दिस चैनल विथ माई सिविल फ्रेंड्स, दे आर रियली इम्प्रेस्ड बाई टीचिंग स्किल्स एंड दिस चैनल रियली हेल्पफुल फॉर सम. थैंक यू वेरी मच नूर फौजिया, आपने शेयर किया. और ऐसे ही आप अपने दोस्त को भी बोले कि और भी जो फ्रेंड है सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड, उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद हाउ यू मैनेज टू गेट सो अपडेटेड विद योर वीडियोस? वीडियोस यही है कि रेगुलर बेसिस में हम जो काम करते हैं, जो सीखते हैं जिस टाइम पे, उसका वीडियो बना के शेयर करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके साथ. ऐसे ही करके हम अपडेट करते रहते हैं. हम जब जैसे कि 2018 में थे तो उस टाइम पे हमारा स्टडी चल रहा था, हम स्टडी में जो सीखते थे वहीं से स्टार्ट हुआ था ये वीडियो बनाने का सिलसिला. तो जैसे हम सब जो पढ़े, जो सीख लिए, उसको वीडियो बना देते थे, उसी को शेयर करते थे. फिर उसके बाद अभी थोड़ा फील्ड पे अभी काम कर रहे हैं तो फील्ड का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो शेयर करते हैं, और ऐसे ही आगे शेयर करते रहेंगे. बस आप सब हमको सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल पे. बस वसी सर कहाँ है सर? और ये वसी सर, ऐसा अगर ये भी हम आज बता दें कि जो हमारा चैनल है इसमें हम 3 मेंबर हैं, 3 फ्रेंड्स मिलके ये चैनल को बनाए हैं, जो कि मैं निराजन सिंह, और दूसरा फ्रेंड है वो नूर फराज, और तीसरा वसी हैदर. ये तीनों मिलके हम इस वीडियो को, ये वीडियो बनाते हैं. हमारे ही तीनों का वीडियो इस चैनल पे आता है. तो अभी फ़िलहाल हम और फराज का, हमारा और फराज का वीडियो आप देख सकते हैं कि आते रहता है. और वसी अभी कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ कारण बस वो नहीं बना पा रहा है. वो भी रिसेंटली बहुत जल्दी आपके साथ आएगा वीडियो लेके. तो ये हमारा 3 फ्रेंड हम हैं और इससे ये चैनल बना है. और
और हाँ, आप अगर और कोई भी ऐसा आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमारा आज का टॉपिक है, यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का, कैसे ग्रो करें, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा है आपके पास क्वेश्चन, तो आप शेयर करें, हम जरूर बताएंगे आपको। और हम आपको जैसे कि बताएं कि जो एजुकेशनल चैनल क्रिएट करेंगे, तो अगर आपको उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको उसका टॉपिक चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो वो भी हम आपको बता दें। कुछ कंटेंट है मेरे पास जो कि हम आप शेयर करें आपसे, कि सबसे पहले कि अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे कि 10th 12th को रिस्पेक्ट में रखते हुए, जैसे कि फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये चैनल ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आप। दूसरा, आपको जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशन होता है उसका करवा सकते हैं, उसका क्रिएट कर सकते हैं चैनल। तीसरा, अगर जो इंजीनियरिंग फील्ड है, तो इस इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं, तो कोई भी एक ब्रांच के ऊपर आप बना सकते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसा रहता है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज भी देना रहता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर नॉलेज रहता है, बहुत सारे फील्ड नॉलेज रहता है, और एक और मेन रहता है कि आपको प्रोजेक्ट, बहुत उसमें प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक रहता है कि आप प्रोजेक्ट का आइडिया दे सकते हैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि हर एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट बनाना रहता है एक माइनर मेजर। तो वो सब कहीं नहीं आते, वो यूट्यूब पे ही आते हैं, पहले सर्च करते हैं और फिर वहीं से कुछ ना कुछ आइडिया लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये भी, इसका भी आप बना सकते हैं एक चैनल, ये भी क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी कैसे ग्रो करें चैनल का सब्सक्राइबर जो है वो, ग्रो करने के लिए आपको कंटेंट पे ध्यान देना होगा और कुछ नहीं, और कौन सा डिमांडिंग कंटेंट है वो ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा, तभी आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप ऐसा वीडियो बनाए जिसका अभी कोई डिमांड नहीं है और उसका बनाएंगे तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए कंटेंट पे फोकस करिए, तो आपका व्यू, सब्सक्राइबर सभी बढ़ जाएगा। इस कमेंटिंग इन द वीडियो आर हेल्पिंग फॉर द यूट्यूबर। कमेंटिंग जैसे कि कोई सब्सक्राइबर आपको कोई प्रॉब्लम आया उसको, तो वो आपको कमेंट किया और आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो ऐसा होगा कि आपके जो चैनल है उससे वो स्ट्रिक हो जाएगा, वो आपको चैनल का प्रिफेयर करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रिफेयर करेगा कि इस पे सर्च करें, इस पे मिल सकता है वीडियो। तो ऐसे करके आप अपना जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उससे स्टिक रहने का ये एक तरीका है इंटरेक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और जैसे कि उसको सही है, समझ में आया, उसको आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो वो दूसरे दोस्त के साथ भी शेयर करेगा, ऐसे ही शेयरिंग होते रहता है और फिर आपको तो व्यू मिलते रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इंटरेक्शन करिए अपने व्यूअर्स से। सो मच सर, इट्स रियली हेल्पफुल। फराज, थैंक यू सर फॉर गुड इंफॉर्मेशन, वेलकम ब्रो। तो और भी और कुछ है और बताइए सर। और तो हम अब यही बता रहे थे कि आप कंटेंट कैसा, वीडियो के लिए कंटेंट कैसा देख सकते हैं। तो कंटेंट के लिए जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बता दिए कि गवर्नमेंट जॉब का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जॉब वैकेंसीज शेयर कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। उसके बाद जो सब्जेक्टिव कंटेंट रहता है वो कर सकते हैं फील्ड से रिलेटेड, और जो कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो स्किल्स रहता है वो बहुत सारे उसमें है, जैसे कि MS वर्ड पे जो MS ऑफिस है उसमें बहुत सारे कंटेंट बन सकता है, उसको भी आप उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंग्लिश लर्निंग का चैनल बना सकते हैं, वो भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, वो हर कोई सीखना चाहता है, तो इस पे भी अगर अच्छा कंटेंट रहेगा तो आपका वीडियो रैंक होगा, अच्छे व्यू मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, ग्रो करोगे। तो ये सब सारे वीडियो का कंटेंट है। और जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, तो जो इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो कोई ऐसा सोचता होगा कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा डिवाइस ये लेना होता है, तो उसमें कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के फेज में आप कुछ नहीं, आपको आपके पास एक स्मार्टफोन रहना चाहिए, उसके बाद आप एक नॉर्मल माइक ले सकते हैं, माइक्रोफोन, उसके बाद और एक जैसे कि हम आपको व्लॉगिट और ड्यू रिकॉर्डर जो सॉफ्टवेयर बताएं वो रख ले, और उसके आपका वीडियो बन जाएगा। तो ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपको कंटेंट अच्छा देना रहेगा, तो उससे आपका वीडियो जो चैनल है वो आगे बढ़ते जाएगा।
सर टेल अस अबाउट गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन, जो गेट का एग्जामिनेशन है वो जैसे कि जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, वो देते भी हैं। तो ये गेट का जो प्रिपरेशन है, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप जिस ब्रांच से हैं उसको अच्छे से पढ़ना रहता है। और उसके बाद उसका जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ क्रॉस करने के बाद आप गेट क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो आपको IITs NITs मिलेंगे कॉलेज आपको MTech करने के लिए। तो यही है गेट एग्ज़ाम के बारे में। इसके लिए आपको बहुत सारे कोचिंग्स भी प्रोवाइडेड हैं, अभी बहुत सारे कोचिंग्स देते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं और कर सकते हैं, खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग से ही होगा, आप खुद से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये MTech और PhD करने के लिए गेट एग्जामिनेशन दिया जाता है ताकि गुड अच्छे कॉलेज मिले, IITs NITs। गेट रिलेटेड वीडियो आएगा क्या? गेट रिलेटेड वीडियो ऐसा है कि गेट का जो कंटेंट रहता है वो बहुत ही डीप, वो बुक का नॉलेज बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए रहता है उसके लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं रहने के कारण से ये अभी मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिले, टाइम मिले, तो ज़रूर डालेंगे गेट के ऊपर भी वीडियोस। You are really knowledgeable. So thank you very much, Noor Fauzia. और जो एक और बता दे कि आप जो वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाने का डिफरेंट प्रोसेस, मतलब कैसे कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बनाने का, जैसे कि एजुकेशनल के लिए ऊपर आज बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे कि पहले तो ऐसा है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का वीडियो, तो उसके लिए आपको नॉर्मली ये करना रहेगा कि आप अगर अपने एक कॉपी पेन पे, एक पेपर पे वो सॉल्यूशन कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन को करके उसको स्कैन करके ड्यू रिकॉर्डर से उसको डिक्टेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी एक बेस्ट तरीका है वीडियो बनाने का एजुकेशनल वीडियो के लिए। उसके दूसरा एक है कि आप वाइट बोर्ड पे कर बना सकते हैं, वाइट बोर्ड पे बनाने का ये भी एक अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो है वो आप जैसे कि बहुत सारे लाइव वीडियो, जैसे कि लाइव आके बना सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी है। तो बहुत सारे और सॉफ्टवेयर सब भी बहुत आता है जिसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। ये है अभी कोई क्वेश्चन अभिषेक कुमार, MHRD का न्यू डिसीजन बता दो भाई, गेट का फीवर उतर जाएगा। हाँ, ये जो आप MHRDC का जो बताए हैं, MHRD का सॉरी, तो इसमें एक है कि जैसे कि अभी जो एक सर्कुलर आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट रहेंगे, पहले ऐसा था कि जो भी गेट क्वालिफाइड करते थे और वो फर्दर स्टडी करते थे MTech, तो उसको क्या था कि 12,400 का स्टाइपेंड मिल रहा था। तो वो शायद अभी बोल ये सुनने में आ रहा था कि बंद हो चुका है इसी ईयर से 2020 से, पर अभी जैसे कि गेट का तो रिजल्ट आ चुका है और अभी एडमिशन स्टार्ट होने ही वाला था तब तक में ये लॉकडाउन आ चुका है, तो इसलिए अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल ये ईयर में कन्फर्म हो जाएगा कि आगे स्टाइपेंड मिलना है या नहीं है। तो अभी हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बस एक आया था सर्कुलर, लेकिन ये अभी पता नहीं चला है क्योंकि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, इस ईयर से ये अप्लाई हो सकता है। तो अब ऐसा अगर कोई आपका क्वेश्चन है, जो टॉपिक है हमारा कि यूट्यूब चैनल, पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो करने का, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप हमको शेयर करें। अगर नहीं है तो फिर हम अपना लाइव सेशन को एंड करेंगे, आज के लिए इतना ही फिर करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। तो होप कि आपका जो भी डाउट हो वो हम क्लियर करिए होंगे इस वीडियो के हेल्प से, और अगर ऐसा कोई आपको डाउट है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम बताएंगे। और अगर
आपको हमसे जुड़ना है तो एक और हमारा मेल आईडी भी है, missioncivilengineering@gmail.com, वहां से भी हमको मेल कर सकते हैं, वहां से भी हम आपके पास पहुंच जाएंगे आपके पास। और इसमें कुछ क्वेश्चन आया, योर वीडियो थंबनेल इज रियली इनोवेटिव। हाँ, ये जो थंबनेल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये भी मैटर करता है वीडियो में कि जो आपका थंबनेल है वही जो व्यूअर है उसके सामने वही प्रेजेंट होता है। आपका जो होल वीडियो अंदर में क्या है वो पहले इनिशियल स्टेज में वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए कि जो मेन थंबनेल है वो जितना अट्रैक्टिव रहेगा, उसमें जितना वो समझ सकता है कि इसमें मेरा सॉल्यूशन, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो थंबनेल से ही डिसाइड होता है। इसलिए थंबनेल क्रिएटिव ही बनाए। और इंस्टा पर पेज है क्या? हाँ, आप अगर हमसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन सिविल इंजीनियरिंग करके इंस्टा अकाउंट है हमारा, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक इंस्टा का भी, फेसबुक है, फेसबुक पे भी है मिशन सिविल इंजीनियरिंग करके, ये वहाँ भी आप कर सकते हैं। और जो हमारा मिशन सी करके उसका जो फेसबुक आईडी है वो मिशन सी करके है, तो वैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। टेल अस हाउ टू मेक इट योर वीडियो थंबनेल इज, ये वीडियो हम एक्चुअली जो वीडियो का थंबनेल है वो नॉर्मली बनाते हैं, वो हम पावर पॉइंट का एक स्लाइड खोलते हैं और उस स्लाइड पे जो भी हमको डालना रहता है डाल के उसका स्क्रीन शॉट लेके उसको क्रॉप करके डाल देते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं। और भी बहुत सारे इसका सॉफ्टवेयर सब भी है थंबनेल बनाने के लिए। और जो एजुकेशनल चैनल रहता है उस पर उतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना रहता है, नॉर्मली जो टॉपिक है उसके बारे में लिखिए, उसका जो फिगर है एक फिगर डाल दीजिए, तो ये इनफ रहता है इतना। तो इसलिए हम स्नैपचैट, हो सॉरी स्नैपचैट नहीं है, फर्दर देखेंगे फ्यूचर में अगर हो सके तो स्नैपचैट भी, अभी तो नहीं है फिलहाल। थैंक यू सर। और तो हमारे साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े थे इस लाइव सेशन में, उन सभी को थैंक यू, और आगे भी हम ऐसे ही लाइव सेशन करते रहेंगे, तो उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। और अगर कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ से आपको